गुड इवनिंग। अभी तक हम लोग अपनी क्लास में सेक्शन 23 तक कंप्लीट कर चुके थे। 22 एंड 23 जो प्रोविजंस थे वो ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजंस थे कि यदि हमारा केस दो या दो से अधिक कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ रहा है और हमें केस को ट्रांसफर कराना है तो उसके संबंध में प्रावधान हमने पढ़े थे अभी 22 एंड 23। तो 22 और 23 में जो राइट मिला हुआ था केस को ट्रांसफर कराने का वो था डिफेंडेंट को। 22 और 23 डिफेंडेंट को स्पेशल राइट प्रोवाइड करती है कि जो प्रतिवादी होता है, जो डिफेंडेंट होता है, वो वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के जुरिसडिक्शन में अपना केस ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जनरली ये पावर होता प्लेंटिफ के पास है, वादी के पास है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हमें सेक्शन 22 एक प्रिविलेज मिला हुआ डिफेंडेंट को। अब बात आती है सेक्शन 24 की। 23 में भी उसी से रिलेटेड प्रोविजंस थी। 23 में बताया था कि एप्लीकेशन किस कोर्ट में करना है, मतलब डिपेंडेंट अगर अपना ट्रांसफर कराना चाहता है अंडर 22 के अंदर अपना केस किसी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, तो वो किस कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाएगा ट्रांसफर कराने के लिए, तो वो बताया गया था सेक्शन 23। अब आएंगे हम सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 बात करती है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल की, अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। तो यहाँ पे अब बात हो रही है साधारणतः क्या पावर्स हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कोर्ट के पावर्स की। इस सेक्शन में 24 में और 25 में कोर्ट को भी पावर है, पार्टीज को भी पावर है, लेकिन 22 में क्या था, सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट के पास पावर। तो ये आपको अंतर भी याद रखना, अगर कभी खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन, खुदा ना खास्ता नहीं, होगा ही, आपका सिलेक्शन होगा जब भी, और जब आप मेंस लिखेंगे और अगर क्वेश्चन पूछा गया 22 से 25 तक के प्रोविजंस के बारे में, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस आप मेंशन कर सकते हैं कि 22 स्पेशल राइट प्रोवाइड करता है डिपेंडेंट को, देन 24 में जो है जनरल पावर बताए गए हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, जिसमें कोर्ट को भी पावर है जनरली ट्रांसफर करने का और पार्टी को भी है, और 25 में सुप्रीम कोर्ट को है। तो देखते हैं हम सेक्शन 24 के प्रोविजन। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार आप लोगों को, ताकि जिसके पास डायरेक्टली है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। सेक्शन 24 अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। तो ट्रांसफर के साथ साथ विड्रॉल से संबंधित नियम भी इसमें बताए गए हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि जो सूट है आपका, उसको अगर आपने ट्रांसफर करा दिया है और आप उस ट्रांसफर के ऑर्डर को विड्रॉ भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, बहुत ध्यान से एक एक लाइन इसकी समझना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं आपके फ्री में। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टी एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम as desired to be heard or of its own motion without such notice the high court or the district court may at any stage। तो सबसे पहली बात, यहाँ सेक्शन 24 में जो ट्रांसफर करने का पावर है वो किसके पास है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पर इस सेक्शन में, सेक्शन 24 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर करेगी, पहला पॉइंट याद रखने वाला। सेक्शन 24 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर करेगी किसकी एप्लीकेशन पर, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। एनी पार्टी मींस चाहे प्लेंटिफ ट्रांसफर करवाना चाहे तो प्लेंटिफ एप्लीकेशन दे सकता है, डिफेंडेंट ट्रांसफर करवाना चाहे तो डिफेंडेंट दे सकता है। इसमें दोनों पार्टी को है ट्रांसफर कराने का पावर, ठीक है, वादी भी को भी और प्रतिवादी को भी। अगर वादी या प्रतिवादी ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगाते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्टी को, आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज। तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जो नोटिस है वो चाहे तो अपोजिट पार्टी को, जिस पार्टी ने एप्लीकेशन लगाया है ट्रांसफर करने के लिए वो पार्टी दे सकती है, या फिर खुद कोर्ट अदर पार्टी को, अपोजिट पार्टी को नोटिस भिजवा सकता है। जैसे कि सपोज करिए प्लेंटिफ ने, प्लेंटिफ चाहता है कि मेरा केस
एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो एप्लीकेशन लगाएगा संबंधित हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन ये एप्लीकेशन कब लगाएगा? आफ्टर नोटिस टू द पार्टी। तो ये नोटिस कौन भेजेगा पार्टी को? ये नोटिस या तो प्लेंटिफ खुद भेजेगा डिफेंडेंट को या फिर कोर्ट भेजेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है। लेकिन जब भी पार्टी की एप्लीकेशन पे सूट ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले नोटिस जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जब भी एप्लीकेशन ऑफ पार्टी पे सूट ट्रांसफर होना है तो पहले नोटिस देना है। ये नोटिस या तो पार्टी खुद दे सकती है अपोजिट पार्टी को या फिर कोर्ट दे सकता है। अब इसके बाद अब जो नोटिफिकेशन गया है, नोटिफिकेशन जाएगा अपोजिट पार्टी के पास और अपोजिट पार्टी इच्छा व्यक्त करती है कि हमें सुना जाए। तो यदि वो इच्छा व्यक्त करती है उन्हें सुना जाए तो कोर्ट उनको सुनने के बाद एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर्ड टू बी हर्ड। यदि कोई भी पक्षकार अपने आप को सुनाने के लिए इच्छुक है, वो चाहता है कि न्यायालय पहले उसके पॉइंट सुन ले उसके बाद डिसाइड करे ट्रांसफर करना है केस या नहीं, तो ऐसे डिजायर्ड पार्टी को सुनने के बाद, नोटिस भेजने के बाद, डिजायर्ड पार्टी को सुनने के बाद हाई कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन पर ये जो बाद में पॉइंट दिए ऐसे निर्णय देगा। अब एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और ऑफ इट्स ओन मोशन, और ऑफ इट्स ओन मोशन या तो फिर न्यायालय स्वप्रेरणा से। अब जरूरी नहीं है कि पार्टी ही ट्रांसफर कराए केस को, पार्टी ही एप्लीकेशन दे। अगर न्यायालय को भी किसी रीजन से लगता है कि ये केस यहाँ से ट्रांसफर हो जाना चाहिए दूसरे कोर्ट में, तो क्यू मोटो, इसको क्या कहते हैं, स्वप्रेरणा से, अपनी इच्छा से, बाय इट्स ओन मोशन, इतने सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा से, अपनी क्यू मोटो या खुद से भी एक केस को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकती है। जब न्यायालय खुद से ये डिसीजन लेगी ट्रांसफर करने का, तब न्यायालय को पार्टीज को नोटिस देना जरूरी नहीं है। देखिए स्पष्ट लिखा है, ऑन और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस। अगर न्यायालय ट्रांसफर कर रहा है स्वप्रेरणा से, अपनी इच्छा से ट्रांसफर कर रहा है एक केस को दूसरी जगह पे, तो नोटिस देना पार्टीज को जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? तो सेक्शन 21 बात करती है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे, अदर पार्टी को नोटिस देने के बाद और ऐसी पार्टीज को जो चाहते हैं कि उनको सुना जाए, उनको सुनने के बाद या फिर खुद से क्या क्या कर सकती है। पहला पॉइंट, ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग, किसी वाद को, किसी कार्यवाही को या अपील को ट्रांसफर कर सकती है, पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल, जो उसके समक्ष अभी पेंडिंग है, जिसकी ट्रायल पेंडिंग है या जिसका निर्धारण डिस्पोजल उसका पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, कहाँ ट्रांसफर कर सकती है, टू एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, अपने किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कर रही है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी सिविल कोर्ट को ट्रांसफर कर देगी, हाई कोर्ट अगर ट्रांसफर करेगी तो हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, या जो भी हाई कोर्ट के एडीजे हैं, डीजे हैं, जितने भी उसके अधीनस्थ होते, तो कोई भी कोर्ट जो ट्रांसफर करेगी सूट को, तो क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि ट्रांसफर क्या सिर्फ सूट का होगा, क्या सिर्फ अपील का होगा, क्या सिर्फ प्रोसीडिंग का होगा या तीनों का होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ट्रांसफर जो होता है वो सूट, अपील या किसी भी प्रोसीडिंग का हो सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान रखना है आपको। तो ट्रांसफर एनी सूट, अपील और प्रोसीडिंग, पेंडिंग बिफोर इट for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same. तो अपने किसी भी subordinate court को, अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा suit, appeal या proceeding transfer कर देगा, जिसको भी वो transfer करेगा बस उसको ये ध्यान रखना है कि वो court उसको सुनने के लिए सक्षम हो, competently। ये बार बार आया है और पिछले क्लासेस में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि competency of court क्या होती है। तो जिसने नहीं पता हो वो पूरे पुराने जो प्रीवियस वीडियोस हैं 2-3 सेक्शन की वो देखिए, उसको समझ में आ जाएगा कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट क्या होती है, ठीक है। तो जो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा डिस्पोज करने के लिए, वो बस इतना पॉइंट उनको याद रखना है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। अब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई सूट, अपील या प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, तो वो उस सबॉर्डिनेट कोर्ट से वो सूट, अपील या प्रोसीडिंग को अपने पास मंगवा सकते हैं। विड्रॉ मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने
सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग किसी सूट अपील या प्रोसीडिंग को अपने पास मंगवा लेंगे सुनने के लिए। क्लियर है? तो पहले तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी सूट अपील या प्रोसीडिंग को ट्रांसफर कर सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट को। सेकंड पॉइंट कहता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास मंगवा सकती है किसी सूट अपील या प्रोसीडिंग को, विथड्रॉ मतलब मंगवा सकती है, क्या करने के लिए? टू ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ द सेम। जो पेंडिंग सूट सबऑर्डिनेट कोर्ट पे पड़ा है वो अपने पास मंगवा लेगी और उसको खुद उसका ट्रायल करेगी और निराकरण करेगी, ठीक है? या फिर ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। या क्या कर सकती है, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो पेंडिंग सूट अपील या प्रोसीडिंग उसके पास पड़ी है वहां से विथड्रॉ करके किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर दी, है ना? जैसे हाई कोर्ट एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में है, भोपाल में भोपाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई पेंडिंग केस पड़ा है तो हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर भोपाल के कोर्ट से कोई भी पेंडिंग सूट अपने पास बुलवा सकता है, उसका ट्रायल कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। या फिर चाहे तो हाई कोर्ट भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई सूट विड्रॉ करके इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है कि आप न सुनिए आप सुन लीजिए। तो ये पूरा पूरा पावर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है। भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसी एक सिविल जज अपने अंडर जो सिविल जज है उससे मैटर उठा करके खुद डिसाइड कर सकता है, या इंदौर के किसी सिविल जज को, या सॉरी इंदौर का सिविल जज को डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर नहीं आएगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट आ रहे हैं तो वहां पर वो आपसदारी में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक है? अब बात हो रहा है री ट्रांसफर, थर्ड वाला पॉइंट। री ट्रांसफर द सेम for trial or disposal to the court from which it was withdrawn. अब वो ये भी कर सकता है कि जिस कोर्ट से उसने pending suit appeal या proceeding मंगवाई थी वापस उसी कोर्ट को सौंप देगा कि तुम ही डिसाइड कर लो। मतलब परेशान करने वाली बात कि हाई कोर्ट में जज साहब बैठे हैं कोई काम नहीं है तो उन्होंने कहा क्या करा जाए, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को परेशान करा जाए। तो भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज साहब थे उनसे केस मंगवाया पेंडिंग जो उनके पास था, देखा समझा 10 दिन बाद फिर वापस कर दिया, तुम्हें सुनो, ठीक है ना? तो इतने पावर ये है बी वाले पॉइंट में कि कोई भी जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ट्रांसफर कर सकती है सूट अपील और प्रोसीडिंग को अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट से मंगवा सकती है, मंगवा के खुद सुन सकती है, किसी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है, या जिस कोर्ट से विथड्रॉ करवाया था केस उसी कोर्ट को वापस रीट्रांसफर कर सकती है, पुनः स्थानांतरण कर सकती है। अब देखते हैं कि सबसेक्शन 2, वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और विथड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट विच एक मिनट हाँ द कोर्ट विच इज देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ सूट और प्रोसीडिंग में सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शंस as in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn. अब ये कह रहे हैं कि जहां पर भी कोई वाद कार्यवाही या अपील अंतरण की गई थी या प्रत्याहरण की गई थी उपधारा एक के अधीन, तो वहां न्यायालय ऐसे वाद या कार्यवाही का तत्पश्चात विचारण करना है या उसे निपटाना है अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, या तो उसका पुनः विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जहां से उसका अंतरण या प्रत्याहरण किया गया। सिंपली बात बोल रहे वो ये बोल रहे हैं कि सबसेक्शन 1 के अंदर जो अभी हमने पढ़ा कि जो हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या तो विथड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कोई केस ट्रांसफर किया है या उससे कोई केस विथड्रॉ किया है, तो अब वो उस केस की प्रोसीडिंग जो ऐसा ट्रांसफर किया है या ऐसा विथड्रॉ किया तो उस केस की प्रोसीडिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने आपके पास दो ऑप्शन कह दिया कि या तो आप रिट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो जिस भी केस को ट्रांसफर किया है दूसरे कोर्ट के पास तो वो कोर्ट चाहे तो फिर से फर्स्ट पॉइंट से ट्रांसफर कर सकता है, या जिस स्टेज पे उसके पास पहुंचा है उस स्टेज पे कार्यवाही को आगे बढ़ा सकता है। सपोज करिए इश्यूज का सेटलमेंट हो गया था और प्रोसीडिंग के दो तीन स्टेप्स हो गए थे, तो अब वहां से उठा के केस ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे कोर्ट को, तो अब वो जो दूसरे कोर्ट के पास केस ट्रांसफर किया गया है वो चाहे तो फिर से इश्यूज सेटल कर सकता है, या फिर इश्यूज सेटल हो चुके थे तो उस स्टेज पे कार्यवाही को प्रोसीडिंग को उस स्टेज से आगे बढ़ा सकता है। वो कहेगा कि अब जब इश्यूज सेटल कर ही दिए हैं पहले वाले कोर्ट ने
फिर ट्रांसफर हुआ है तो अब हम क्यों फिर से टाइम वेस्ट करें, इसमें सेटल हो चुकी है, हम इसके आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन यदि जज को लगता है कि नहीं नहीं मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं तो फिर से इसमें सेटल करूंगा, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तो फिर से इसमें सेटल कर लो, ठीक है ना। तो ये वाली सिंपली बात बोली कि जब भी ट्रांसफर हो या विड्रॉ किया गया हो कोई केस, तो आप उसको या तो रिट्राई कर सकते हैं या उस पॉइंट से प्रोसीड कर सकते हैं जिस पॉइंट से आपके पास वो केस आया। अब है सबसेक्शन थर्ड। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस शैल बी डीम्ड टू बी सबॉर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट जज। ये उन्होंने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज के सबॉर्डिनेट अधीनस्थ कौन कौन से जज के आते हैं, एडिशनल जज आते हैं और असिस्टेंट जज आते हैं, अपर न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश और सहायक जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ समझे जाएंगे। सिंपल। फिर बी में प्रोसीडिंग को क्या बता रहे हैं, कार्रवाइयों से क्या मतलब है, प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी प्रोसीडिंग में मानी जाएंगी, प्रोसीडिंग के अंतर्गत निष्पादन कार्रवाइयां भी मानी जाएंगी। निष्पादन कार्रवाइयां क्या होती है, जब फाइनल डिक्री या ऑर्डर पास कर दिया जाता है, उस डिक्री और ऑर्डर में जो भी आदेश दिया गया है अब उसको एग्जीक्यूट भी तो कराना है। ऐसे थोड़ी सिर्फ कागजों पर लिखा हो गया, उन्होंने कहा कि ए को पोजेशन देना है बी को, तो ये डिक्री पारित हो गई तो पोजेशन दिलवाना भी तो पड़ेगा। तो ये जो पोजेशन दिलवाना होता है इट्स कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन कार्रवाइयां अलग चलती है। तो यहाँ पर प्रोसीडिंग का मतलब सिर्फ डिक्री तक नहीं है कि डिक्री लिख के दे दी हो गया, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी इंक्लूडेड है इन प्रोसीडिंग, ठीक है। कार्रवाइयों के अंतर्गत निष्पादन कार्रवाइयां भी आएंगी। अब देखिए सबसेक्शन 4। द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और withdrawn under this section from a court of small causes shall for the purposes of such suit be deemed to be a court of small cause। अब यदि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई सूट ट्रांसफर किया है या विड्रॉ किया है किस कोर्ट का, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का, तब उस स्मॉल कॉज कोर्ट का जो सूट पेंडिंग सूट अपील या प्रोसीडिंग जो भी आपने ट्रांसफर की है दूसरे कोर्ट को, तो वो जो दूसरा कोर्ट सुनेगा उस मामले को, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद सुने, भले ही हाई कोर्ट खुद सुने या किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को किया हो, उस पर्टिकुलर सूट के पर्पज से वो स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कोई केस था कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लघुवाद न्यायालय, लघुवाद न्यायालय के पास पेंडिंग कोई बात था, तो वहां से हाई कोर्ट ने वो उस मैटर को अपने पास बुलवा लिया कि हम डिसाइड करेंगे। तो जब हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज लघुवाद न्यायालय की किसी सूट को किसी वाद को डिसाइड करेगा, तो उस मैटर में हाई कोर्ट कैसी भूमिका माना जाएगा कि वो हाई कोर्ट नहीं है, वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज है, ऐसा डीम्ड होगा, ठीक है। तो जब भी लघुवाद न्यायालय के मामलों को हाई कोर्ट सुनेगा बुलवा करके या किसी दूसरे को ट्रांसफर करेगा, तो खुद हाई कोर्ट या वो कोई दूसरा कोर्ट जो भी ऐसे मैटर को सुनेगा, वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट समझा जाएगा उस पर्टिकुलर सूट के मामले में संबंध, ठीक है। पूरे मैटर्स क्यों नहीं, हमेशा के लिए हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट होगा उस पर्टिकुलर सूट के मामले में, क्योंकि आपने वो मैटर सुना, बहुत छोटे मैटर्स आते हैं जो 50,000 तक के लिमिट वाले, ठीक है। अब है सबसेक्शन 5। A suit or proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try। Simple बात बता दी उन्होंने कि कोई वाद या कार्यवाही उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित की जा सकेगी जिससे उसका विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। मतलब हमने जब कॉम्पिटेंसी पढ़ी थी अपने प्रिसाइडिंग सेक्शन में, तो हमने पढ़ा था ना कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा होगा, तो पिकिनरी जुरिसडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखा जाता है। तो कोई कोर्ट है जो कॉम्पिटेंट नहीं है ट्राई करने के लिए, उसके पास मामला आया, उसको लगा कि भाई हमारे पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है, पिकिनरी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि जो सूट या प्रोसीडिंग है वो ट्रांसफर्ड की जा सकती है इस धारा के अंतर्गत कौन से कोर्ट से, जिसके पास उस सूट को ट्राई करने की कॉम्पिटेंसी नहीं है, अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई इट। तो ऐसा न्यायालय जिसको सूट ट्राई करने की अधिकारिता नहीं है उसको सूट ट्रांसफर करना, तो कौन से सेक्शन के अंदर करेगा, सेक्शन 22 याद रखना। अब क्या है, ये हो गया आपकी सबसेक्शन 5 खत्म।
ये हो गई आपकी सेक्शन 24 कंप्लीट। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ, अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना म्यूट ऑन करके पूछ सकता है। डाउट है क्या किसी को? आगे बढ़े, चलिए तो अब हम देखते हैं सेक्शन 25। ठीक है, ये देखिए सेक्शन 25 बात करती है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट एक्सेट्रा, वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है ट्रांसफर कर सकता है सूट, कैसी कंडीशंस में कर सकता है, कब कर सकता है, क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन वन में। सबसेक्शन वन में लिखा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard, ये बिल्कुल same चल रही है language 24 की तरह, कि किसी भी party की application पे चाहे plaintiff हो चाहे defendant हो, अगर application दिया है तो क्या करना पड़ेगा, other party को notice देना पड़ेगा। ठीक है, तो other party को notice देने के बाद और यदि जो party चाहती है कि उनको सुना जाए तो उनको सुनने के बाद, after hearing such of them as desired to be heard, Supreme Court may at any stage, very important point, at any stage, अभी तक 22 से 24 में कहीं पे भी ये नहीं आया है, at any stage, किसी भी प्रक्रम पर, तो Supreme Court transfer कर सकती है केस को suit के किसी भी stage पर, मतलब शुरुआत stage पे, middle stage पे, end stage पे, जब आपने plaint file किया, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया तब भी ट्रांसफर कर सकती है, आपकी गवाही स्टार्ट हो गई तब भी ट्रांसफर कर सकती है, आपको कोई इंटरिम ऑर्डर्स पास हो गए तब भी कर सकती है, फाइनल डिग्री आ गई तब भी कर सकती है, अपील हो गई तब भी कर सकती है, रिवीजन रिव्यू रेफरेंस किसी भी स्टेज पर। बात समझ में आया? तो सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी है ट्रांसफर कराने के लिए तो दूसरी पार्टी को नोटिस देने के बाद और कोई अगर उनमें ऑब्जेक्शन है उनको सुनने के बाद केस के किसी भी स्टेज पर अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो इफ सेटिस्फाइड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडिएंट फॉर द एम्स ऑफ जस्टिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि उच्चतम न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना बहुत ही आवश्यक है, समीचीन है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या उच्च सिविल न्यायालय की कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अंतरित कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ही पॉइंट चाहिए, अगर उसको लगता है कि क्यों ट्रांसफर करना जरूरी है, एंड ऑफ जस्टिस के लिए, न्याय की प्राप्ति करने के लिए ऐसा जरूरी है, अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा कि केस का ट्रांसफर करना इसलिए जरूरी है कि यदि ट्रांसफर नहीं किया तो न्याय नहीं मिल पाएगा पार्टी को, न्याय विफल हो जाएगा, तो फिर ट्रांसफर कर देगा, डायरेक्ट दैट एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग बी ट्रांसफर्ड, तो डायरेक्शन दे देगा सुप्रीम कोर्ट कि कोई भी सूट अपील और प्रोसीडिंग जो है ट्रांसफर कर दी जाए। कहां? सुप्रीम कोर्ट के अंडर कौन कौन से कोर्ट होते हैं? एक तो हाई कोर्ट होते हैं और जितने भी सिविल कोर्ट हैं वो सारे, जितने भी इंडिया में न्यायालय हैं वो सब किसके सबॉर्डिनेट है? सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट तो हैं। तो एक हाई कोर्ट से, एक स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, किसी एक स्टेट के सिविल कोर्ट से दूसरे स्टेट के सिविल कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है, फ्रॉम अ हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट ऑफ वन स्टेट टू अ हाई कोर्ट और अदर सिविल स्टेट, अ सिविल कोर्ट ऑफ एनी अदर स्टेट, वो चाहे तो एक स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को, एक सिविल कोर्ट, एक स्टेट की सिविल कोर्ट से दूसरे स्टेट के सिविल कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। सिंपल। तो सेक्शन 25 कहती है सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर अपोजिट पार्टी को नोटिस देने के बाद, उनको सुनने के बाद,
यदि उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए एंड ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी बहुत ही एक्सपीडियंट है, तो सूट के किसी भी स्टेज पर किसी भी सूट अपील या प्रोसीडिंग को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट के पास, एक सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट के पास ट्रांसफर कर सकती है। सबसेक्शन टू क्या कहती है? सबसेक्शन टू एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय मोशन विच शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के द्वारा किया जाएगा और उसके अनुसमर्थन में शपथ पत्र होगा। बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा ये मोशन क्या होता है। मोशन मीन रिटन फॉर्म, मोशन का मतलब होता है लिखित में। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी पार्टी एप्लीकेशन दे रही, तो एप्लीकेशन हमेशा रिटन फॉर्म में होगी, विच शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। साथ साथ में उसके साथ एक एफिडेविट भी होना चाहिए। विदाउट एफिडेविट आपकी एप्लीकेशन मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमेशा लिखित में होना चाहिए। मोशन मीन समावेदन मीन लिखित में और एफिडेविट के साथ होगी। फिर सबसेक्शन थ्री, द कोर्ट टू विच सच सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड शैल सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर आइदर रिट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज फ्रॉम विच इट वॉज ट्रांसफर। सेम बात, अब जहां पे भी केस को ट्रांसफर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया, तो जिस कोर्ट के पास ट्रांसफर किया है या तो वो उसको फिर से सुन सकता है या उस स्टेज से प्रोसीड कर सकता है जिस स्टेज से उसके पास आया है मामला। नेक्स्ट, इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन द सुप्रीम कोर्ट मे इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वॉज फ्रिवोलियस और वैक्सीस। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी एप्लीकेशन डिसमिस करती है तो डिसमिस कब कर सकती है? डिसमिस कब कर सकती है? जब उसकी राय हो, जब सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फ्रिवोलियस और वैक्सीशियस है। कहती है, इस धारा के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को यह आदेश दे सकेगा कि वह उस व्यक्ति को जिसने आवेदन का विरोध किया है प्रतिकर के रूप में 2,000 रुपए से अनधिक ऐसी राशि संदत्त करे जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे। यदि ये प्रूफ हो जाता है कि आपने एप्लीकेशन जो लगाई है वो सिर्फ फ्रिवोलस और तंग करने के लिए लगाई है, ट्रांसफर करने के लिए कि केस की प्रोसीडिंग कुछ दिन डेट आगे बढ़ जाएगी, ये सब, तो ये ओपिनियन अगर है कोर्ट की और प्रूफ हो जाता है, तो अपोजिट पार्टी जिसने अपोज किया था आपकी एप्लीकेशन का कि सर ये टाइम वेस्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, तो अपोजिट पार्टी को क्या ऑर्डर देगी सुप्रीम कोर्ट कि 2,000 रुपए तक, नॉट एक्सीडिंग मतलब 2,000 रुपए तक का उसको जो है कंपनसेशन देने का आदेश दे सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि सूट अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई गई है ट्रांसफर करने की और ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है वो फ्रिवोलस और वैक्सीशियस से तंग करने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट कितने तक का कंपनसेशन दे सकता है? दो, नॉट एक्सीडिंग 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए से अनधिक, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द लॉ which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceeding. Simply है, कुछ ज्यादा नहीं है। इस धारा के अधीन अंतरित वाद अपील या अन्य कार्यवाही को लागू होने वाली विधि वह विधि होगी जो वह न्यायालय जिसमें वह वाद अपील या अन्य कार्यवाही मूलतः संस्थित की गई थी ऐसी वाद अपील या अन्य कार्यवाही को लागू करता। मतलब जिस कोर्ट में ओरिजिनली पहले आपने सूट फाइल किया था, तो उस कोर्ट में कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता, वही सेम लॉ उस कोर्ट में एप्लीकेबल होगा जिस कोर्ट में आपने ट्रांसफर करवा दिया है। मतलब भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने सूट फाइल किया था, तो जो विधि जो कानून भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लागू होने थे, अगर वो आपका केस उठा करके इंदौर में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वही सेम लॉज लागू होंगे जो भोपाल में होते। ये सेक्शन आपकी सबसेक्शन 5 जो है बोल रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 25। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हेडिंग से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कब लगा सकते हैं, एट एनी स्टेज,
दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, फिर क्यों कब कर सकता है, अगर न्याय की प्राप्ति के लिए ऐसा करना जरूरी है तो कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो सकता है, हाई कोर्ट ऑफ वन स्टेट और सिविल कोर्ट ऑफ वन स्टेट से दूसरे स्टेट से, यहाँ से याद रखना है। एप्लीकेशन कैसे जाएगी, बाय मोशन विद एफिडेविट, ये बिल्कुल प्री के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपका ये बनता है फोर्थ वाले क्लॉज के पॉइंट कि कितने तक का जुर्माना, सॉरी कंपनसेशन कितने तक का होगा, तो 2000 रुपीज तक का कंपनसेशन देगी, क्लो देगी, ग्राउंड पूछते हैं और वेक्सीसेस, तंग और तुच्छ करने वाली अगर एप्लीकेशन होती है तो कितने क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से बनते हैं, ध्यान रखना है बिल्कुल। 24 में इम्पोर्टेंट क्या है, 24 में आपका इम्पोर्टेंट है कि कौन सी पार्टी दे सकती है, कोई सी भी पार्टी दे सकती है, नोटिस देने के बाद होता है इसमें, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ट्रांसफर विड्रॉ का पूछते हैं कि विड्रॉल से संबंधित प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सूट को विड्रॉ करना है कि सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 24 बिल्कुल हेडिंग याद रखनी है इसकी, ठीक है। विड्रॉ कर सकते, ये जो तीन पॉइंट्स है कि खुद सुन सकता है, दूसरे कोर्ट को दे सकता है, रिट्रांसफर कर सकता है, ये तीन पॉइंट से ऑब्जेक्टिव एज इट इज आते हैं, लिखे लिखा है बिल्कुल। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को जो भी पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, हमारे सेक्शन 24 एंड 25 कंप्लीट। अपना अपना ऑडियो खोल लीजिए।